पाप हो रहा है तुमको पता नहीं चलता है। बाकी तुम बाहर से समझते हम किसका गला तो काटा ही नहीं है, हा? हमने किसी का खून तो किया नहीं, हमने किसी से झूठ तो बोला ही नहीं, हमने किसी की कोई हानि तो की नहीं, और इतनी बड़ी हानि कर रहे हो, इतना नुकसान कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी, इसी से तुम अपने पर ये पाप का भागी बनते जाते हो, लेकिन इसका तुमको पता नहीं चलता है। इसी कारण ही तुम अपने कर्म में दुखी होते आए हो। ये दुख कैसे बनता आया? अगर तुम्हें पता होता तो थोड़ी बनाता, कोई दुख बनाएगा अपना? नहीं, सब बनाने में उसमें लगे हुए हो, सुख के बनाने में, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि तुम्हारी अनजानाई से तुम्हारे दुख के कारण जो है ना, हाँ, वो उल्टे कर्म होते रहते हैं और तुम्हारा दुख का कारण बनता जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसी बातों को समझो, और समझ कर करके जहाँ से तुम्हारा दुख बनता रहा है उसको अभी बंद करो, और फिर तुम अपने कारण को सुधार कर करके अपने लिए सुख बनाते चलो। वो कैसे चलो वो बैठकर करके सिखाती हूँ। अभी इसमें तो बहुत सीधी और सहज सिंपल बात है, इसमें भी कोई यहाँ मूझने की या कोई संशय लाने की भी बात नहीं है। कहीं जो संशय कईयों को आ जाते हैं कि यहाँ घर ग्रस्त या ये सभी छुड़ाए जाते हैं, ये भाई छुड़ाने की थोड़ी बात है, ये तो और ही घर ग्रस्त को सुधारने की बात है। हमारी जीवन और घर ग्रस्त जो सदा सुख का रहे वो कैसे रहे, उसको ही तो बनाया जाते हैं ना। हमारे पास देखो आदर्श ही ये है प्रवृत्ति का, कि हम क्या बनाते हैं यही तो एम रखी है, कि हमको यही तो बनाना है। अगर हमको घर ग्रस्त छुड़ाना होता तो ये घर ग्रस्त का आदर्श क्यों रखा है, हा? यही तो घर है, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। इसीलिए कहते हैं अभी हाँ ये दुख की दुनिया अथवा दुख का जो घर ग्रस्त बना चुके हुए है, अभी उसको कैसे सुधारो, उस बिगड़ी को कैसे संवारो। इसीलिए कहते हैं इससे अभी मन को हटा करके अभी इसमें मन रखो। तो कहा जाता है नी अंत मते सो गते, इसीलिए अभी ये चीज कैसे बने उसी बनाने का तो ये प्रयत्न सिखाया जाता है नी। इसीलिए ऐसा कई जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ घर ग्रस्त को छुड़ाया जाता है या यहाँ कुछ अपना प्रवृत्ति का कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ है ही आदर्श प्रवृत्ति का, और प्रवृत्ति का ही जो पूर्ण कंप्लीट आदर्श है वो कैसे बने, वही तो चीज बनवाई जाती है ना। और वो बनाने वाला है, कहते नहीं परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा ने नर और नारी को रचाए थे कहते हैं ना, तो परमात्मा ने कैसे रचा वो भी समझना है ना। परमात्मा ने ऐसे थोड़ी रचा तुम माँ दुखी रहो और ऐसे रहो, नहीं, परमात्मा ने जो चीज रची वो बड़ी अच्छी रची। वो कैसी रची वो बैठकर करके समझाते हैं कि हमने ऐसी रची और तुमने उसको क्या बना दिया, देखो तो सही क्या बन गए हो। अपने से ही देखो, अपने जीवन से देखो क्या बन गए हो, दुखी रोगी, हा? अकाले मृत्यु और ये संसार के कहीं देखो दुख के सब, ये मैंने थोड़ी बनाए। इसीलिए बाप कहते मैंने क्या बनाया, नर और नारी मैंने कैसा बनाया, और तुम्हारा संसार तुम्हारे रिलेशन ये सब मैंने कैसे बनाए वो बैठ करके समझाते। देखो ये रिलेशन है ना, ये प्रवृत्ति तो दिखलाते हैं नर नारी दोनों रिलेशन में खड़े हैं, ये ऐसे नहीं अलग अलग हैं। ये नर नारी को पति पत्नी तो संबंध दिखलाते, तो पति पत्नी तो जरूर बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे होंगे तो सब रिलेशन से राजा प्रजा सारा संसार का होगा ना। तो इसे सिद्ध होता है ना ये संसार पूजा जाता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा संसार क्या था, बड़ा पूजनीय था, अभी देखो क्या हो गए हो।